नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भारत के कृषि प्रदेशों के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे तथा कृषि प्रदेशों के अंतर्गत जो कृषि क्षेत्र है उनका निर्धारण किस तरीका से है, कौन से कारक है जिनसे किसी क्षेत्र को हम कृषि प्रदेश के रूप में सीमांकित कर सकते हैं, इन कारकों का संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही हम भारत में जो कृषि प्रदेश हैं उन्हें रवांद्रा नामक विद्वान है उनके अनुसार जो वर्गीकृत किया है उसका विश्लेषण विशेष तौर से किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर कौन सा कृषि प्रदेश किस क्षेत्र में है, वहाँ पर कौन कौन सी फसलें पैदा होती है, इनका हम मानचित्र के द्वारा भी विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। यह BA पार्ट थर्ड ईयर के पेपर सेकंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंतर्गत है और लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आज ये 10वां लेक्चर है। भारत के कृषि प्रदेश, भारत में भौगोलिक विविधताओं ने कृषि फसलों में भी अनेक विविधताओं को जन्म दिया है। हम भूगोल का जब अध्ययन करते हैं तो हम प्रारंभ से ही देखते हैं कि भारत में जो भौगोलिक विभिन्नताएं हैं इन विभिन्नताओं ने कृषि फसलों में भी विभिन्नताओं को जन्म दिया है, जिनका मुख्य कारण है किसी भी क्षेत्र की वर्षा, तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, भूमि का ढलान, मिट्टी, फसल, ये आदि ऐसे कारक हैं जिनसे कृषि में विविधता उत्पन्न होती है। अनेक विद्वानों और संस्थाओं ने कृषि प्रदेशों को वर्गीकृत करने का, योजना बनाने का प्रयास किया है। इसमें कृषि प्रबंधक है उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, मगर ये जो योजनाएं हैं कृषि प्रदेश है इनका सीमांकन किन आधारों पर किया जाता है उनका भी हम संक्षिप्त परिचय कर लेते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में एक कृषि क्षेत्र का निर्माण निम्नलिखित में से एक या अधिक कारकों के आधार पर किया जाता है, अर्थात किसी भी कृषि प्रदेश का जो सीमांकन किया जाता है उनमें जो आगे मैं कारकों का विश्लेषण करूंगा इनमें से या तो कोई एक कारक या फिर उससे अधिक कारक भी सम्मिलित हो सकते हैं जिनके आधार पर किसी क्षेत्र को या इन विशेषताओं के आधार पर किसी क्षेत्र को हम विशिष्ट कृषि प्रदेश संबोधित कर सकें, जिनमें पहला है भूआकृतिक कारक। किसी भी क्षेत्र के भूआकृतिक कारक जैसे स्थलाकृति, मृदा, नमी का स्तर, जलवायु कारक और जलवायु परिस्थितियाँ, ये ऐसे भौगोलिक कारक हैं जो किसी भी क्षेत्र का जो कृषि स्वरूप है उसको निर्धारित करते हैं। और जैसे समान भौगोलिक कारक वाले जो क्षेत्र है उनको एक कृषि प्रदेश निर्धारित कर देंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी क्षेत्र है, प्रदेश है, वो तब कहलाता है जब किसी दूसरे क्षेत्र से या प्रदेश से वो कुछ भिन्नता रखता है, विविधता रखता है, और उसी आधार पर ये इनका निर्माण होता है। दूसरा कारक है कृषि पद्धतियों की विविधता। तो किसी कृषि प्रदेश में कोई कृषि करने की प्रक्रिया है, पद्धति है, वो कैसी है, दूसरे में उससे भिन्न है, तो इसके आधार पर भी हम कृषि प्रदेशों का निर्धारण कर देते हैं या सीमांकन कर सकते हैं। अब कृषि पद्धतियों की विविधता के संदर्भ में मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे किसी क्षेत्र में तो परंपरागत कृषि की जाती है, उदाहरण के तौर पर हमारे जो उत्तर पूर्व के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें आज भी
झूमिंग कृषि का प्रचलन है। इसी तरीक़ा से जो आदिवासी या जनजातियों का जो क्षेत्र है उनमें भी आज झूमिंग कृषि या स्थानांतरण कृषि का प्रचलन है। परंतु दूसरी तरफ हम भारत के अंतर्गत ही देखें कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनके अंतर्गत आज मशीनीकृत जो कृषि है वो की जाती है। तो ये कृषि पद्धतियाँ हैं, इनमें हम विविधता देख सकते हैं और इनके आधार पर जो भारत में जो विविधताएँ हैं उनसे विभिन्न कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट है उस क्षेत्र विशेष में अपनाए जाने वाला फसल संयोजन। किसी भी कृषि प्रदेश को सीमांकित करते हुए वहाँ का जो फसल संयोजन है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हम उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत देखें तो उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत गेहूं की फसल है, चावल की फसल है, कपास है, इनके साथ साथ में हमारी जो फल सब्जी वगैरह है, इन फसलों का संयोजन आपको मिल जाएगा। तो मुख्य रूप से जैसे उत्तर का जो क्षेत्र है गेहूं प्रधान है, तो ज़्यादातर जिन राज्यों में गेहूं की फसल उत्पन्न की जाती है, गेहूं के साथ साथ में जो रबी की फसल उत्पन्न की जाती है, उनका एक संयोजन बढ़ जाता है और उनके आधार पर एक निश्चित क्षेत्र का सीमांकन किया जा सकता है। इसी तरीक़ा से जैसे पश्चिम बंगाल है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, इनके अंतर्गत चावल का जो उत्पादन है वो बृहद पैमाने पर किया जाता है। तो यहाँ पर जो फसल संयोजन है वो चावल मुख्य फसल के रूप में रहेगी और उसके साथ साथ में अन्य जो फसलें हैं वो संयोजन का निर्धारण करेगी। इसी तरीक़ा से दक्षिण भारत के अंतर्गत के जो राज्य हैं उनमें मोटे अनाजों का या मोटे अनाज वाली जो फसलें हैं उनका संयोजन आपको मिलेगा। तो इस तरीक़ा से किसी भी क्षेत्र विशेष में अपनाया जाने वाला जो फसल संयोजन है उसके आधार पर भी हम किसी भी क्षेत्र के कृषि प्रदेश का सीमांकन करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है कृषि उत्पादकता। किसी क्षेत्र में कृषि उत्पादकता कितनी है, जैसे प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, कुल उत्पादन है, तो इसमें मुख्य रूप से जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है उसी के आधार पर सीमांकन किया जाता है या सीमांकन के लिए प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है उसी को आधार बनाया जाता है। तो ये चार पांच मुख्य कारक है जिनके आधार पर हम किसी भी क्षेत्र को कृषि प्रदेश के रूप में हम सीमांकित कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि भारत के अंतर्गत जो कृषि प्रदेश है उन्हें डॉक्टर M.S. रंधावा ने सीमांकित करने का प्रयास किया है, डॉक्टर M.S. रंधावा द्वारा 1958 में अपने कृषि प्रदेश से संबंधित भारत के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके अंतर्गत अक्षांश, ऊंचाई, वायु, तापमान, मृदा, फसल, प्राकृतिक वनस्पतियों तथा पशु संसाधनों को सीमांकन का आधार बनाया गया। अर्थात इन मुख्य कारकों के आधार पर रवांडा ने भारत का कृषि प्रदेश सीमांकित करने का प्रयास किया है। डॉक्टर M.S. रंधावा ने मुख्यतः जलवायविक जो परिस्थितियां हैं उनके आधार पर ही भारत को 5 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है। उक्त कारक तो है ही है, इससे पहले मैंने जो विश्लेषित किए, लेकिन जो मुख्य कारक इन्होंने लिया है जिसके आधार पर भारत को 5 कृषि प्रदेशों में निर्धारित किया है, उनमें भारत की जो जलवायु संबंधी जो परिस्थितियाँ हैं उनका मुख्य रूप से आधार माना है, जिसके आधार पर इन्होंने 5 कृषि क्षेत्रों में विश्लेषित किया है या वर्गीकृत किया है। नंबर 1 है उनमें शीतोष्ण हिमालय क्षेत्र। शीतोष्ण हिमालय क्षेत्र को भी 2 उप विभागों में विभाजित किया है, इन्हें हम मानचित्र के द्वारा भी देख लेते हैं। ये जो क्षेत्र है
ये शीतोष्ण हिमालय क्षेत्र का नाम से जाना जाने वाला कृषि प्रदेश है। अर्थात इस क्षेत्र को डॉक्टर रवांदा ने शीतोष्ण हिमालय कृषि प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया है। इसे दो विभागों में विभाजित किया है, जिनमें आर्द्र पूर्वी हिमालय क्षेत्र और दूसरा है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। आर्द्र पूर्वी हिमालय क्षेत्र की क्या विशेषता है? इसके अंतर्गत सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ सम्मिलित है। तो हमारे जो हिमालय पर्वत है उसके अंतर्गत जो कृषि उसको आधार बनाकर जो कृषि प्रदेश निर्धारित किया है उनमें एक तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है जो कि इधर हमारे उत्तर पूर्व का जो पहाड़ी क्षेत्र है ये भाग आ जाता है, और दूसरा है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र जो मैंने आपको पहले बताया है। तो हम पहले पूर्वी हिमालय क्षेत्र के बारे में विस्तार चर्चा कर रहे हैं। तो मैं रेड गोले के अंतर्गत जो बता रहा हूँ ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र है या आर्द्र पूर्वी हिमालय क्षेत्र। इसके अंतर्गत सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ सम्मिलित की जाती है। एक उच्च वर्षा वाला क्षेत्र होने के कारण यह क्षेत्र घने वनों से आच्छादित है, और जो निम्न भूमियाँ हैं उनमें चावल उत्पादन किया जाता है, और ढलान या पहाड़ी के जो ढलानी क्षेत्र हैं उनमें सीढ़ी नुमा खेत बना करके चाय का उत्पादन किया जाता है। तो ये इस कृषि प्रदेश की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है, इसके अंतर्गत उत्तराखंड के कुमायूं पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश का हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर तथा इस क्षेत्र की घाटियाँ और श्रृंखलाएँ सम्मिलित है जहाँ पर मध्यम वर्षा होती है। इनके अलावा कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू की घाटी जिनमें चावल उत्पादन किया जाता है ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत ही है। इस पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ढालों पर फलदार कृषि की जाती है जिनमें सेब, अखरोट, चेरी, बादाम आदि, साथ में ही आलू का भी ये जो उत्पादन किया जाता है, मक्का भी उगाया जाता है, और जो ढलानी पहाड़ी जो ढलानी क्षेत्र हैं या पहाड़ों के ढाल हैं उनके अंतर्गत पशुचारण की गतिविधियाँ भी इस क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य होती है। तो ये हमारा शीतोष्ण हिमालय क्षेत्र कृषि प्रदेश संपन्न हुआ। नेक्स्ट है उत्तरी शुष्क क्षेत्र, जिसे गेहूं प्रधान क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह जो क्षेत्र है मानचित्र में हम देख लेते हैं, ये रेड गोले के अंतर्गत जो टोटल क्षेत्र है ये शुष्क उत्तरी शुष्क कृषि प्रदेश है, जैसे हम गेहूं प्रधान क्षेत्र के नाम से भी संबोधित कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन राज्यों का जो भूभाग है वो भौगोलिक दृष्टि से सम्मिलित होता है। अब इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। इस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी गुजरात, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, राजस्थान का भाग सम्मिलित है, जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। औसतन वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर है, अब थोड़ी बहुत कम भी है, कहीं पर ज़्यादा भी है, लेकिन औसतन वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर का क्षेत्र ही है। यहाँ शीत ऋतु काफ़ी ठंड होती है, और नहरों और कुओं के द्वारा भी इसमें उत्तरी शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत जो मुख्य फसलें हैं उनके अंतर्गत है गेहूं, जौ, दाल, मक्का,
ज्वार, बाजरा आदि मुख्य हैं। तो ये हमारे रवांद्रा द्वारा वर्गीकृत दूसरा कृषि प्रदेश है। नेक्स्ट है पूर्वी तर प्रदेश या नम प्रदेश, इसे हम चावल प्रधान कृषि प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे हम मानचित्र में एक बार विश्लेषित कर लेते हैं। ये रेड गोले के अंतर्गत टोटल जो क्षेत्र है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश या चावल प्रधान कृषि प्रदेश के नाम से संबोधित किया जाता है। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनका संपूर्ण भाग इस कृषि प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसकी जो मुख्य विशेषता है उन्हें हम विश्लेषित कर लेते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत जो राज्य सम्मिलित है उनका मैंने विश्लेषण कर ही दिया है, इन्हें एक बार पुनः आपको अंकित करा रहा हूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्य जिनमें असम विशेषकर है, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के द्वारा जो वर्षा है वो लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ पर चावल मुख्य फसल है और चावल के अलावा ज्वार, बाजरा, रागी ये भी फसलें हैं जो इस क्षेत्र में पैदा की जाती है। नेक्स्ट है पश्चिमी नम क्षेत्र। पश्चिमी नम क्षेत्र के अंतर्गत हमारा जो केरल का तटीय क्षेत्र है, गोवा का तटीय क्षेत्र है, महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है जहाँ लगभग 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है, इस क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इसे भी हम मानचित्र में एक बार अंकित कर लेते हैं। ये जो क्षेत्र है पश्चिमी तटीय क्षेत्र, इसे हम मालाबार नारियल उत्पादक प्रदेश या पश्चिमी तर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात पश्चिमी तर कृषि प्रदेश के नाम से संबोधित किया जाता है। अब इसकी जो मुख्य विशेषता है उन्हें हम विश्लेषित कर लेते हैं। पश्चिमी नम क्षेत्र या मालाबार नारियल उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत केरल, कर्नाटक के पश्चिमी तटीय भाग, पश्चिमी घाट इनको सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर उच्च वर्षा तथा मृदा है वो लेटराइट जलोढ़ प्रकार की है और निम्न भूमियों में चावल का उत्पादन किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो मुख्य फसलों के रूप में यहाँ उत्पन्न की जाती है वो है रबड़, काली मिर्च, इलायची, कॉफ़ी आदि, जिनमें कार्डमम की जो पहाड़ियाँ हैं वो इलायची के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र को मोटा अनाज उत्पादक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम एक बार मानचित्र के अंतर्गत अंकित कर लेते हैं। ये संपूर्ण जो रेड क्षेत्र गोले के अंतर्गत जो क्षेत्र है तरबूज के अंतर्गत, ये दक्षिणी क्षेत्र या मोटा अनाज उत्पादक प्रदेश के नाम से सीमांकित किया है और इसके अंतर्गत जो मुख्य राज्य हैं उनमें है मध्य प्रदेश, संपूर्ण महाराष्ट्र, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का उत्तर पूर्वी भाग। तो ये मोटा अनाज उत्पादक
प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार, गंगा के मैदान के दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ लाल लेटेराइट काली मिट्टियाँ पाई जाती है। ज्वार, बाजरा, मूंगफली, दाल, कपास इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। चावल दक्षिणी भाग की तथा गेहूं उत्तरी भाग की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं और जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ गन्ने का उत्पादन नगदी फसल के रूप में किया जाता है। इनके साथ साथ में इस क्षेत्र के अंतर्गत काली मिट्टी पाए जाने के कारण कपास का उत्पादन है वो बृहद पैमाने पर किया जाता है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो वो एक सर्कल के अंतर्गत जो क्षेत्र आ जाता है उसे हम कपास क्षेत्र के रूप में विशेष तौर से जान सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हमने आज भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों का विस्तार से विश्लेषण किया है, जिन्हें मैं एक बार पुनः मानचित्र के अंतर्गत आपको विश्लेषित कर रहा हूँ। नंबर एक था हमारा शीतोष्ण हिमालय क्षेत्र, जिसे हमने पश्चिमी हिमालय एवं पूर्वी आर्द्र हिमालय के अंतर्गत सम्मिलित किया था। दूसरा है गेहूं प्रदान क्षेत्र या गेहूं प्रदान कृषि प्रदेश, जिसे हमने उत्तरी शुष्क क्षेत्र के नाम से संबोधित किया था। तीसरा है पूर्वी नम क्षेत्र, जिसे हमने चावल प्रदान कृषि प्रदेश के रूप में संबोधित किया था। चौथा है पश्चिमी नम प्रदेश, जिसे हमने मालाबार नारियल उत्पादक प्रदेश के रूप में संबोधित किया था। और अंतिम था दक्षिणी क्षेत्र, जिसे हमने मोटा अनाज उत्पादक क्षेत्र के रूप में संबोधित किया था। तो मैं आशा रखता हूँ कि सभी विद्यार्थियों इसे गहनता से विश्लेषित करेंगे और अध्ययन करेंगे, कहीं कोई समस्या है तो उसे पूछने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।